An 18-year boy was sent to 14-day judicial custody for allegedly taking selfie with Bulandshahr's district magistrate B. Chandrakala without the latter's consent. District magistrate B. Chandrakala said the boy didn't stop clicking her pictures even after being warned. बच्चा फोन ऐसा रखा तो कोई भी चैट भी करते रहते हैं तो ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता है बट वो कंटीन्यूअस फोटो क्लिक किए जा रहा था मेरा नोटिस में भी नहीं था देन दोबारा से फिर जब बात मेरा ध्यान तब आकर्षित हुआ जब वो अक्रॉस द टेबल ही बैठकर ही वाज वो अपना कैमरा को ऐसे लिए जा रहा था जैसे चेहरे मिले हुए टाइप में सो इसका ये मतलब नहीं कि अगर उनका शौक जो कुछ भी है वो हमारे सामने आकर बिना मर्जी के जब एतराज जताया उनको डांटा कि क्यों ये सब मतलब बिना परमिशन के नहीं होना चाहिए भैया ये सब बंद करिए काम चल रहा है यहाँ पर तो समय उस टाइम पर दिन भर का कामकाज निपटा कर अराउंड 7 o'clock वैसे समय भी था एंड वही लास्ट हमारा वर्क था उसके बाद वापस घर भी जाना था तो उतने में डांट कर हमारे स्टेनो ने उनको बाहर किया बाहर उनको फोटो डिलीट करने को कहते बाहर भेजा गया तो बाहर उसने सूरत बाहर क्या हुआ मुझे पता नहीं मैंने तो सुना कि वो उलझने लगा कि मतलब ये मेरी मर्जी है मेरा कैमरा है यहाँ बात दृष्टिकोण की होनी चाहिए कि आपका कैमरा है लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को आप खींचना चाह रहे हैं क्या वो सहमति है दौरान कार तो नहीं हो कोई निजी व्यक्तिगत कहीं गए हो किन्हीं के कार्यक्रम तब बात अलग होती है ना सिटिंग इन कलेक्ट्रेट और ऐसा कुछ भी होना मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था Faraz, who hails from Kamalpur village of the Bulandshahr district, was sent to jail under Section 151 of the Indian Penal Code. Correspondent Sandeep from Bulandshahr.